सज्जाद साहब को क्या जवाब दूंगा कि उनसे लिए 50 लाख का मैंने क्या किया? बड़ा तलाल, असल में बात यह है कि बस अब्बू, कोई नया झूठ नहीं। फिर कुछ सोचो, रयान को अपने साथ लगाओ। रयान, उसे जानती नहीं हो तुम? टूर पर जाने से पहले तलाल के वॉलेट पे हाथ साफ किया उसने, और तुमने उस बेचारी मासी पर इल्जाम लगाकर उसे निकाल दिया। ये बात तुम भी जानती थी और मैं भी। 49 लाख बतो 49 दिनों में ही खत्म कर देगा। 49 लाख? लेकिन तुमने तो कहा था कि 50 लाख दिए उन्होंने। हाँ तो 1 लाख लग गया घर के खर्चों में। खावर, अगर इसी तरह घर बैठकर खाते रहे तो ये पैसे भी उड़ जाएंगे। तो क्या करूं? फिलहाल तो फिक्स डिपॉजिट करवा दो, एक दफा हफ्सा का सिलसिला बन जाए तो फिर सोचेंगे कि क्या करना है। और सज्जाद साहब को क्या जवाब दूंगा कि उनसे लिए 50 लाख का मैंने क्या किया? क्या कहा आपने? आपने सज्जाद अंकल से पैसे लिए? तलाल, असल में बात यह है कि बस अब्बू, कोई नया झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत शदीद दुख है कि मैं आपका बेटा हूं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत पर। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए तलाल, जो अपने बाप से इस तरह बात कर रहे हो। एक बात मेरी तुम कान खोलकर सुन लो और अच्छी तरह समझ भी लो। हमने तुम्हारी शादी उस घर में सिर्फ इसलिए कराई थी ताकि हम उनसे मदद मांग सकें। ये मदद नहीं, मेरी खुददारी पे गाली है अम्मी। काश आप लोगों को मेरी समझाई हुई बात समझ आई होती तो आज आप लोग ये हरकत ना करते। बेटा, जो होना था वो तो हो गया, अब आगे की सोचो। नहीं अब्बू, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को कोई भी बहाना बना के ये रकम सज्जाद अंकल को वापस करनी है। सवाल ही पैदा नहीं होता। कारोबार के लिए पैसे लिए, कारोबार करूंगा। शर्म का मकाम है, दिल चारा डूब के मर जाऊं। चुप कर जाओ तलाल, मरे तुम्हारे दुश्मन। अरे मर तो मेरी गैरत गई है अम्मी। आप लोगों ने मुझे मिनल के घर वालों के सामने नजरें मिलाने तक का नहीं छोड़ा। बेटा तलाल, उन्होंने भी यही कहा था कि तलाल को बताने की जरूरत नहीं है, तुम भी ऐसे बन जाओ जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मेरा ज़मीर भी आप दोनों की तरह मुर्दा होता ना तो शायद मैं ये कर पाता, लेकिन अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। बस कर जाओ तलाल, बस कर जाओ, जरा सी बात को बांस का फांस मत बनाओ। अरे बर्बाद कर दिया आपने मुझे, तोड़ दिया। आप दोनों की ये हरकत जिंदगी भर के लिए मेरे हलक में फांस की तरह चुभती रहेगी। रुको, समझदारी से काम लो बेटा। उनसे लिए हुए पैसों से हम कारोबार करके इतनी तरक्की कर सकते हैं कि एक दिन उनका पैसा वापस कर सके। बस अब्बू, बस, अब और कोई ड्रामा नहीं, प्लीज। Assalamu alaikum. Please subscribe to AY Digital YouTube channel for amazing content.